और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। नई सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है तो कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए, मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है। जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अजय टमटा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री, तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया, शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली में कांग्रेस की आभार सभा आज होनी है। राहुल, सोनिया और प्रियंका जो है आज रायबरेली जाएंगे। रायबरेली वो गढ़ जहां पर एक बार फिर से परचम लहराया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ना सिर्फ रायबरेली और अमेठी जीता बल्कि 6 सीटें जीतकर इस बार सभी को चौंका दिया। फिलहाल राहुल और प्रियंका कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, आभार जताया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे वो समय निर्धारित किया गया है कार्यक्रम का। रायबरेली सीट जीतने के बाद ये पहला दौरा होगा राहुल और प्रियंका का। हालांकि कवायतें इसमें बहुत तेज चल रही हैं, रायबरेली और अमेठी से किसको उतारा जाए। लास्ट दौर में भी नाम डिसाइड नहीं हो पाए थे, फिर सोनिया गांधी ने समझाइश की, उसके बाद रायबरेली से लड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए और इस बार जीत दर्ज की है। वायनाड से भी जीते हैं और रायबरेली से भी जीत दर्ज करने के बाद, पहली बार जीतने के बाद राहुल और प्रियंका रायबरेली दौरे पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। दोपहर 3:30 बजे का समय निर्धारित किया गया। और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 9 जून 2024 की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने इसी दिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान दिया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है।
देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम राजनीति होती है। इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बने हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या का करीब 37% है। मोदी की नई टीम में 10 मंत्री एससी यानी अनुसूचित वर्ग के हैं, जबकि 5 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में सवर्ण वर्ग के 21 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि इन अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी की तीसरी सरकार में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी हैं। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है, यानी टीम मोदी के फॉर्मूले में सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है। और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और शपथ लेते ही पीएम मोदी ने किसानों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया गया है। कैसा रहा पीएम मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ चुके हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वो किसानों को खुश करने वाली है। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी पहली फाइल साइन की। पीएम ने 9.30 करोड़ किसानों को 17वीं किश्त जारी की। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को आवंटित किए गए। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है, क्योंकि 2019 में भी सबसे पहले मोदी पीएम सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। देश की जिम्मेदारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था और पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम मोदी ने ये वादा पूरा करने का फैसला लिया है। इससे पहले मोदी सरकार पिछले 10 सालों में पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ 21 लाख घरों का निर्माण करा चुकी है और अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल मिलाकर 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आज की कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी की गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब, 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब, और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब, मोदी मंत्रिमंडल का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व नजर आता है। ओबीसी से 27 मंत्री, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं।
पीएम मोदी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि 100 दिन के रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों के फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।